शिवपुरी में कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा के नेतृत्व में कुशवाहा समाज ने रैली निकालकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पिछोर विधायक केपी सिंह कग्गाजू के खिलाफ कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर सियासत जारी है। सोमवार को इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा के नेतृत्व में कुशवाहा समाज ने रैली निकालकर शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं। उन्होंने पिछोर विधायक केपी सिंह कग्गाजू द्वारा किए गए भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सत्ता का लाभ लेकर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा ने कहा कि पूरे जिले का कुशवाहा समाज पिछोर विधायक केपी सिंह कग्गाजू के साथ है। पुलिस जांच कर एफआईआर को रद्द नहीं करती है तो कुशवाहा समाज उग्र आंदोलन करेगा। और उनसे एफआईआर वापस ली जाए। हम पूरी कुशवाहा समाज के लिए आपसे निवेदन करती है कि ये वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। कांग्रेस संघर्ष है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कुशवाहा एकता जिंदाबाद, कुशवाहा एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संघर्ष करो। हमारी कुशवाहा समाज को पता चला कि विगत 30 वर्षों से माननीय पिछोर विधायक कक्का जी साहब पर जो गलत एफआईआर हुई है, जो कि मिक्स करके तोड़ मरोड़ कर बनाई गई है, जो कि 2023 में चुनाव आने वाले हैं, उसमें बौखलाए हुए भाजपा लोगों ने सरकार का फायदा लेकर गलत जो कक्का जी व्यापारी की एफआईआर की है, उसमें पूरा सीबरी का जिले का कुशवाहा समाज कक्का जी के समर्थन में आया है और मांग करता है कि ये एफआईआर जांच करके वापस ली जाए। यदि एफआईआर वापस नहीं ली जाती है तो फिर आगे कुशवाहा समाज क्या करेगा? अगर एफआईआर वापस नहीं ली जाती तो पूरा कुशवाहा समाज आज तो सिर्फ शुरुआत है, फिर बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होगा।